नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। और जैसे कि अगर हमारे कुछ पिछले वीडियो आपने देखे हो तो हम हमारे वीडियोज में बहुत सारे कुछ ऐसे जो निसर्ग में पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जिनके हमें पहचान नहीं होती उनसे परिचित कराते हैं। उसी के साथ साथ उनके जो फायदे होते हैं या अगर वो आयुर्वेदिक है हर्बल प्लांट है तो उनके भी बारे में हम जानकारी देते रहते हैं। तो ऐसे ही एक पौधे की आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये आप हमारे साइड में देख जो रहे हैं, ये हमने गमले में जो लगा रखे हैं, ये है ओडोमॉस का पौधा। जी हाँ, इसका जो हमने जहाँ से इसे लाया था, ये मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों से हमने ये पौधा लाया था, एक नर्सरी में हमें मिल गया था, तो हमने इसका नाम ओडोमॉस बताया था। इसका ओरिजिनल नाम हमें भी कुछ पता नहीं, जब ओडोमॉस हमने कहा है तो ये पौधा हो सकता है ओडोमॉस का हो या फिर ओडोमॉस आपने नाम सुना हो ये। लेकिन हम बता दें कि यह एक नीलगिरी की प्रजाति का एक पौधा है और सेंटेड पौधा है। इसका जो पत्ती अगर हम तोड़ कर इसे अगर ये करते हैं, इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार की पत्तियाँ इसमें, एक छोटे छोटे रोम या कांटे बोल सकते हैं, रोमदार ये ऐसा पत्ता होता है नीलगिरी की तरह ही, आप देख सकते हैं। दूसरा भी हम एक पत्ता आपको बताएंगे, तो कौला पत्ता है तो इस पर रोम नहीं है, पर जैसे भी इसके पत्ते थोड़े से ये हो जाते हैं पुराने तो इस पर रोम कांटेदार ऐसे आ जाते हैं। इस प्रकार का ये पौधा है और नीलगिरी के समान ही दिखता है। और इसे मसलने के बाद अगर हम इसका सेंट लेते हैं तो एक अच्छा सा, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस, जैसे कि लेमन ग्रास वगैरह का फ्रेग्रेंस होता है उस टाइप का इसमें एक सेंट आता है, बहुत अच्छा स्मेल आता है। तो हमने उनसे पूछा था कि इस पौधे का प्रयोग क्या किया जाता है, तो जैसे कि ओडोमॉस करके उन्होंने हमें बताया, तो इसका उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ जो कॉकरोचेस होते हैं या जो मलेरिया या डेंगू इत्यादि फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं इस पौधे के रहते वो नहीं आते। यानी एक बहुगुणी पौधा है, अभी हमारे पास साढ़े चार पाँच वर्ष का पौधा हो रहा है और जैसे कि और बड़ा भी रहता है, इसका बड़ा पेड़ नहीं होता लेकिन जैसे कि हमने गमले में लगाया तो ये बोनसाई जैसा हुआ है। और इसको हमने विशेषकर यहाँ पीछे देख सकते हैं, हमारा बाथरूम और संडास अटैच है तो यहाँ इसको रखा है क्योंकि यहाँ हमेशा नमी बनी होती है। और हमने पाया है ये 3-4 वर्षों में कि रियल में इसके आजू बाजू कोई मच्छर या कॉकरोच नहीं दिखाई देते, तो हो सकता है कि ये इसका जो सेंट होता है या इसका जो फ्रेग्रेंस होता है उससे वो न आए जो मलेरिया इत्यादि को, या फिर आपका टाइफाइड वगैरह के जो मच्छर होते हैं वो उनको ये नहीं आने देता हो अपने पास। तो आप देख सकते हैं, और इस पर कोई ऐसा विशेष कीट भी हमें इतने वर्षों में नहीं मिल पाया, दिख पाया, मतलब एक आयुर्वेदिक पौधा है। और आपके इलाके में अगर ऐसा कोई पौधा आपको अगर मिल जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके यहाँ तने पर भी छोटे रोएदार रोए होते हैं, जैसे कि कांटे हों छोटे छोटे ऐसा लगता है, तो इसकी पहचान हमने जो बताया, हम तो इसको ओडोमॉस करके आपको बता रहे हैं। और आपके इलाके में अगर कहीं ये पौधा पाया जाता है और इसके और भी कुछ प्रयोग होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस प्रकार का पौधा अगर आप अपने घर में लगाते हैं जहाँ नमी वाली जगह अगर हो तो मच्छर और जो कॉकरोचेस होते हैं या मॉस्किटो होते हैं सब इससे दूर भाग जाते हैं। और इसकी जो सूखी पत्ती अगर हम आग पर जलाकर अगर धुआं करते हैं तो उससे भी मच्छर या तो आपके कॉकरोचेस भाग जाते हैं। तो इस प्रकार का बहुत उपयोगी पौधा आप अपने गार्डन में या गमले में घर के आगे या कहीं जहाँ गीली जगह हमेशा रहती है उस जगह लगा देते हैं तो ये आपके लिए और प्रकृति के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बताना चाहेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि आप प्रकृति बचाने में सहायता करें, प्रकृति को बचाए रखें। और इस प्रकार के जो पेड़ पौधे आपके आजू बाजू आस पड़ोस या घर के बगीचे में, बाग बगीचे में, बाकी फूलों के फलों के जैसे लगाते हैं, लेकिन इस प्रकार के भी उपयोगी पौधे आप लगाएं तो ये आपके लिए भी और सभी के लिए अच्छा होगा। तो हमारे वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और इस प्रकार के और अन्य वीडियो प्राप्त होने के लिए हमारे चैनल आस हॉर्टिकल्चर को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।